Welcome to Zavan Projects. This is Aditya Kumar Jha. Today we are going to see Python code for cable management system. तो सबसे पहले हम लोग को जो हम सारे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं वो सब हम पाइथन और MySQL में बना रहे हैं, तो हमको सबसे पहले अपने लैपटॉप में पाइथन और MySQL इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले हम पाइथन इंस्टॉल करें। मेक श्योर कि आप सबसे पहले पाइथन इंस्टॉल कर लें। सबसे पहले देखिए हम क्रोम ब्राउज़र में हैं, इसमें बस आपको लिखना है डाउनलोड पाइथन। सॉरी पाइथन, देखिए हमारा खुल गया नया पेज, देखिए डाउनलोड पाइथन ये आया। इस ऑर्ग पे जाइए, आप क्लिक कीजिए इस पे और ये देखिए डाउनलोड पाइथन 3.9.6 ये आप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे कि मैंने डाउनलोड कर रखा है, पहले से इंस्टॉल कर रखा है अपने लैपटॉप में। मेरे लैपटॉप में आप देख सकते हैं यहाँ पे पाइथन है। अब बस डाउनलोड करने के बाद, जब थोड़ा टाइम लगेगा आपको डाउनलोड करने में, आप बस इसको रन कर दीजिए। इसमें देखिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस, यहाँ पे ये चीज़ जरूर ध्यान दीजिए, ऐड पाइथन 3.92 पाथ ये ज़रूर कीजिएगा आप। इस चीज़ को ऐसे कीजिएगा एंड लाइक इंस्टॉल नाउ क्लिक कर दीजिएगा। लाइक इंस्टॉलेशन इज स्टार्टेड, ऐसे हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखिए स्टार्ट हो चुका है, बहुत तेज़ी से इंस्टॉल हो रहा है। तब तक चलिए हम लोग देखते हैं आगे कि हमें MySQL कैसे इंस्टॉल करना हो। तो MySQL के लिए भी हम MySQL इंस्टॉलर इंस्टॉल करेंगे। MySQL इंस्टॉल जाइए, ये फ्री है, आपको कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी लॉग इन करने की। यहाँ पे देखिए आप, रिकमेंड मैं करूँगा कि आप 450.7 MB वाला डाउनलोड करें, क्योंकि इसमें सारे चीज़ें आपको डेवलप्स में मिल जाएंगे। डेवलपर के लिए ये चीज़ आप डाउनलोड करें, मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले मैं पाइथन मेरा इंस्टॉल हो रहा है, देखिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस। देखिए हमारा जो पाइथन का है वो सेटअप है वो पूरी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। इसको हम लोग कर देते हैं क्लोज। और जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हम लोग पहले MySQL से ये जाके 450.7 MB का ये MySQL इंस्टॉल इंस्टॉल किया, जैसे मैंने कर रखा है अपने लैपटॉप में, आपको मैं दिखा दूँ ये रहा। इसको मैं इंस्टॉल करें, प्रिपेयरिंग फॉर इंस्टॉल। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा MySQL इंस्टॉलर इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको चूजिंग सेटअप टाइप पूछेगा, डेवलपर डिफॉल्ट, सर्वर ओनली, क्लाइंट ओनली, फुल एंड कस्टम। आप लोग डेवलपर डिफॉल्ट सेलेक्ट कीजिएगा क्योंकि फ्यूचर में, इन फ्यूचर्स भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा डेवलपर, इसीलिए नेक्स्ट कीजिए। इसके बाद देखिए MySQL सर्वर 64 bit, सब कुछ प्रोग्राम फाइल, देखिए दिस सेलेक्टेड पाथ इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि हमारे लैपटॉप में पहले से ये MySQL इंस्टॉल था। आप लोगों को दिखाने के लिए हमने अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल किया है, इसलिए ये ऐसा है। नेक्स्ट करेंगे, ये हमें वार्निंग पॉपअप करेगा क्योंकि आपके सर्वर में पाथ है, तो बोले आर यू कंटिन्यू, यस वी आर कंटिन्यू। देखिए इसके बाद आ रहा है MySQL फॉर विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड पे हम यूज़ नहीं करें, इसलिए इसको हम अनचेक ही रहने देंगे, इसको चेक नहीं करेंगे एंड फिर हम इसको आगे नेक्स्ट कर देंगे। देखिए रिक्वायरमेंट्स इन लाइक हैव बीन नॉट, तो ओके यस। देखिए अब ये चीज़, ये सारी चीज़ें रेडी टू इंस्टॉल एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स होंगे। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, ये सब चीज़ धीरे धीरे करके इंस्टॉल होंगी। चलिए एग्जीक्यूट करें इन सबको। देखिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, इट विल टेक सम टाइम। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा सारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। सब ने हमने MySQL सर्वर, वर्कबेंच, सेल्स, राउटर, OVDC, C++ कनेक्टर, नेट, पाइथन, डॉक्यूमेंटेशन, सैम्पल एग्जाम्पल सब कुछ इंस्टॉल कर लिया। अब कुछ नहीं करना है हमें, बस नेक्स्ट करना है। सारे चीज़ें हमसे रेडी टू कॉन्फिगर में है, देखिए नेक्स्ट करना है। देखिए कॉन्फिगरेशन कुछ भी आप चेंज मत कीजिए, पोर्ट वोर्ट सब ये बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 3306 होते हैं, कुछ भी ऑप्शंस चेंज मत कीजिए, सब कुछ ऐसे ही रहने दीजिए। नेक्स्ट कीजिए, यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रिकमेंडेड लिख रखा है आपने, कुछ भी पासवर्ड आप बना सकते हैं। देखिए जैसा कि हम लोग पहले भी अपने लैपटॉप में MySQL इंस्टॉल कर रहे थे, मुझसे करंट रूट पासवर्ड पूछा है, आप अपना पासवर्ड इस टाइम में बना लीजिए। यहाँ पे देखिए मेरा करंट रूट पासवर्ड है, यहाँ पे देखिए चेक करेगा ये, इट्स चेकिंग। चेक कर रहा है, कर लिया है। नेक्स्ट करिए आप वापस सब कुछ MySQL स्टैंडर्ड सिस्टम अकाउंट, कुछ भी चेंज मत कीजिए, सारे सर्विसेज को वापस नेक्स्ट कीजिए। एंड देखिए राइटिंग कॉन्फ़िगरेशन, सप्लाई कॉन्फ़िगरेशन, जस्ट एग्जीक्यूट दिस, इट्स एग्जीक्यूटिंग, इट्स टोटली फास्टिंग, स्टार्टिंग द सर्वर, हियर स्टार्टिंग द सर्वर। हो गया सब कुछ स्टार्ट हो गया, देखिए आपका सारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस इज फिनिश। चलिए इसको फिनिश कर दीजिए एंड लाइक नेक्स्ट। अब सारा कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ सही हो रहा है, नेक्स्ट नेक्स्ट। लाइक करंट पासवर्ड देगा ये, 1234 इज आवर पासवर्ड, वापस अगेन इज चेकिंग, सबनेशन सक्सेसफुली। देखिए नेक्स्ट कीजिए, रनिंग स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट,
देखिए रनिंग स्क्रिप्ट्स कर रहा है एग्जीक्यूशंस। देखा हमारा स्क्रिप्ट्स रन हो चुका है, सब कुछ दे रहा है लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, कुछ नहीं ये सब कैंसिल कर दीजिए। एंड हमारा माई सीक्वल इंस्टॉल हो चुका है, जस्ट फिनिश, ये सब कुछ हो गया। वापस हम कंटिन्यूएशन लाइक माइक्रो सेटअप एंड वर्क बेंच इज लाइक तुरंत फिनिश कीजिए हमें इसको, इसको हम वर्क बेंच से फिनिश करते हैं। चलिए लेट्स ओपन। अब देखिए हमारा वर्क बेंच माई सीक्वल वर्क बेंच खुल रहा है, वेट सेकेंड, खुल रहा है हमारा माई सीक्वल वर्क बेंच। देखिए हमारा माई सीक्वल वर्क बेंच खुल गया, और ये हमारा इसके अंदर आप जाके स्कीमाज, ये लॉग इन करके स्कीमाज एंड टेबल्स बना सकते हैं। लेट्स जंप बैक टू आवर पाइथन कोड। इन फर्स्ट लाइन वी आर यूजिंग इम्पोर्ट माई सीक्वल डॉट कनेक्टर एज एसक्यूएल। ये लाइन हम पाइथन कोड और अपने डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। मूविंग अहेड कॉन इज इक्वल टू एसक्यूएल डॉट कनेक्ट होस्ट लोकल होस्ट यूजर पासवर्ड एंड डेटाबेस का नाम स्टोर करते हैं। लोकल होस्ट हम इसलिए ले रहे हैं यहाँ पे क्योंकि हमारा जो डेटाबेस है वो लोकली सर्वर पे रन हो रहा है, मतलब लोकली हमारे कंप्यूटर पे रन हो रहा है इसीलिए। फिर हम माई कर्सर इज इक्वल टू कॉन डॉट कर्सर एलिमेंट को कॉल करते हैं। कर्सर एलिमेंट एक्चुअली करता क्या है? कर्सर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आगे भी बहुत सारी जगह यूज करेंगे कर्सर एलिमेंट को। कर्सर एलिमेंट हमेशा हमें अपने डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए यूज करना पड़ता है, इसीलिए हम कर्सर एलिमेंट को कॉल करते हैं। देन मूविंग अहेड, देखिए हम बहुत ही बेसिक इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं। इफ कनेक्शन इज कनेक्टेड प्रिंट कनेक्शन विद डेटाबेस स्टेटमेंट सक्सेसफुल। अगर हमारा जो डेटाबेस के साथ है वो कनेक्शन सक्सेसफुली कनेक्टेड हो गया है तो एक प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करेगा कनेक्शन विद डेटाबेस स्टेटमेंट सक्सेसफुली। अगर ये चीज़ नहीं होता है तो एल्स स्टेटमेंट प्रिंट करेगा कनेक्शन विद डेटाबेस इज फेल्ड। अब हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन चेक कर लिया, अब हमें डेटाबेस जो यहाँ पे केबल 01 का हम बना रहे हैं इसको बनाना भी पड़ेगा हमें। चलिए इसके लिए भी पाइथन कोड है, हम देखते हैं एक बार पाइथन कोड के इसके पाइथन कोड को। इसके पाइथन कोड में भी हम लोग फर्स्ट लाइन में इम्पोर्ट माई सीक्वल डॉट कनेक्टर हमारे डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए होस्ट लोकल होस्ट यूजर एंड पासवर्ड, यहाँ पर भी हमने एक इफ स्टेटमेंट का यूज़ किया कि कनेक्शन स्टेब्लिश सक्सेसफुली अगर होता है तो ये सक्सेसफुली कनेक्टेड प्रिंट कर देगा। फिर हम कॉन डॉट कर्सर डॉट एग्जीक्यूट स्टेटमेंट को कॉल करते हैं। कर्सर आपको पता है कि जैसे कि हमने डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, एग्जीक्यूट स्टेटमेंट डेटाबेस पे काम करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एग्जीक्यूट स्टेटमेंट को। उसके अंदर देखिए हम एक क्वेरी लिख रहे हैं क्रिएट डेटाबेस केबल 01। क्रिएट डेटाबेस एक सिंटैक्स हो गया एंड केबल 01 वो हमारा नाम हो गया डेटाबेस का। और अगर ये सब कुछ सक्सेसफुली हो जाता है तो प्रिंट स्टेटमेंट एक और हम कर ले, प्रिंट डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएटेड आएगा। अगेन हम कर्सर एलिमेंट को कॉल करेंगे, एग्जीक्यूट स्टेटमेंट को कॉल करेंगे, इस बार इसलिए कि अंदर में हम केवल कौन सा डेटाबेस यूज़ करें, आपके डेटाबेस में बहुत सारे डेटाबेस हो सकते हैं इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ केबल 01 यूज़ कर रहे हैं कि सिर्फ एक डेटाबेस जिसका नाम केबल 01 है आप उसको यूज़ कीजिए। फिर हम कर्सर एलिमेंट को कॉल कर रहे हैं आगे मूविंग अहेड में, देखिए डॉट कॉन डॉट कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। फिर हम क्वेरी लिख रहे हैं क्रिएट टेबल। अब कौन सा है, इससे पहले हमने ये किया है कि हम एक डेटाबेस डिफाइन कर रहे हैं कौन सा डेटाबेस हमें यूज़ करना है केबल 01, उसके अंदर हमें क्या बनाना है क्रिएट टेबल लॉग इन। लॉग इन के अंदर फिर देखिए हम रोज बना रहे हैं कस्ट अंडरस्कोर नेम, उसका डेटा टाइप है वायरकैट, उसकी लिमिटेशन है 65, अकाउंट नंबर जिसको बना रहे हैं हम इन डेटा टाइप में, और पासवर्ड उसको भी हम लोग इन डेटा टाइप में बना रहे हैं। और फिर हम एक प्रिंट लॉग इन अंडरस्कोर टेबल क्रिएट करें कि ये स्टेटमेंट सक्सेसफुली काम हो गया है, तो एक प्रिंट दो लॉग इन टेबल क्रिएटेड। देन वापस हम कॉन डॉट कर्सर डॉट एग्जीक्यूट स्टेटमेंट को कॉल कर रहे हैं, उसके अंदर लिख रहे हैं क्रिएट, क्योंकि हमें इस कोड के लिए हमें दो डेट टेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक लॉगिन टेबल, दूसरा जो हमारा कस्टमर टेबल होगा वो। तो क्रिएट टेबल अंडर कस्टमर अंडर स्कोर टेबल एफ नेम वेयर का डेटा टाइप प्राइस इन डेटा टाइप चैनल्स इन डेटा टाइप कस्ट अंडर स्कोर नेम वेयर का जिसकी लिमिटेशन 65 और फोन नंबर और बिगिंट। अब देखिए इन डेटा टाइप तो हम समझ गए इन डेटा टाइप होता है, ये बिगिंट क्या होता है? तो बिगिंट एक्चुअली होता है कि एक्चुअली हमारा जो फोन नंबर होता है ना वो काफ़ी बड़ा इंडिया टाइप होता है, तो इंडिया टाइप में उसको हो सकता है लिमिटेशन उसके एक्सीड कर ले, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बिग इंट यूज़ कर रहे हैं। और फिर हम वापस प्रिंट स्टेटमेंट को ले टेबल क्रिएटेड कनेक्शन टेबल क्रिएटेड, अब प्रिंट कर दीजिए अगर ये चीज़ सक्सेसफुली हो गया है तो कर दीजिए। एंड देन कनेक्शन डॉट कमिट, यहाँ पे हम कनेक्शन को कमिट कर दें कि ये कनेक्शन इज़ ओवर एंड लाइक हमने ये काम कंफर्म कर दिया एंड प्रिंट डन। चलिए मैं आपको एक बार रन करके दिखाऊँ इस कोड को, बहुत ईजी है ये, देखिए ये रन हुआ सक्सेसफुली कनेक्टेड, डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएटेड जैसे कि आप देख रहे हैं, लॉग इन टेबल क्रिएटेड, कस्टमर टेबल क्रिएटेड। अब यहाँ पे हमारा डेटाबेस हमारे टेबल्स सब कुछ बनके तैयार है।
चलिए लेट्स जंप बैक टू आवर पाइथन कोड। चलिए हम वहाँ पर हम पाइथन कोड पे चलते हैं। अब देखिए पाइथन कोड में हम यहाँ इफ एल्स तक अपना कनेक्शन कर दिया। अब हम एक और प्रिंट स्टेटमेंट को कॉल कर रहे हैं जिसका नाम है प्रिंट वेलकम टू जार्वन केबल सेंटर, जैसे कि नाम थे जार्वन हमारा नाम है। एंड फिर वापस हम कर्सर एलिमेंट को कॉल करते हैं। मैंने बताया आपको काफ़ी बार पहले भी कर्सर एलिमेंट हम हमें हमेशा डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे बाई डिफॉल्ट हमने चॉइस जीरो दे रखा है और यहाँ पे हम तीन चॉइस बना रहे हैं व्हाइल लूप का यूज़ करके। यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन इज इक्वल टू, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू थ्री, और यहाँ पे हम तीन चॉइस बना रहे हैं। प्रिंट वन जो हमारा मेन मेन्यू ड्रिवन होगा, ये वन क्रिएट और अकाउंट, सेकेंड लॉग इन, थर्ड एग्जिट, और चॉइस हम यहाँ पे इंट इनपुट ले रहे हैं यूजर से। चलिए मैं आपको साथ साथ में रन करके और ये समझाता हुआ कोड चलूंगा। देखिए ये रन हुआ, इसको हम लोग उठा के साइड कर लेते हैं। और सेट कहाँ चला गया, ये रहा इशू, सॉरी, ये देखिए हमारा ये रन हुआ एकदम। आया प्रिंट डेटा में वन क्रिएट लॉग इन, सेकेंड लॉग इन, थर्ड एग्जिट, इंटर योर चॉइस, इनपुट मांग रहा है वो हमसे। चलिए हम उसको इनपुट देते हैं। अब देखिए ऐसा है कि इसके आगे के तीनों इनपुट्स हम इफ एल्स में बना रहे हैं कि इफ चॉइस वन एक करेंगे, इफ चॉइस टू, इफ चॉइस थ्री, तीनों हम इफ में बना रहे हैं। तो मैं आपको जैसे जैसे ये एक चॉइसेस एक्सप्लेन करता जाऊंगा, धीरे धीरे जैसे जैसे रन भी करता जाऊंगा और चॉइसेस भी एक्सप्लेन करता जाऊंगा। चलिए पहले हम एक बार अपना अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट बनाया हमसे, वो हमारा नाम पूछ रहा है, हमने अपना नाम आदित्य दिया जैसे कि आप जानते हैं। 8757 हमारा यूजर आईडी, 6545 हम अपना पासवर्ड दे देते हैं। अकाउंट क्रिएटेड, और एक बार याद रखिए जब भी हम इनमें से कोई भी चीज़ परफॉर्म कर लें, कंप्लीट परफॉर्म कर लें, वो हमेशा हमें मेन मेन्यू ड्रिवन में भेज देगा वापस। देखिए अकाउंट क्रिएटेड, क्रिएट योर अकाउंट, सेकंड लॉग इन एंड थर्ड एग्जिट। चलिए इसके कोड को एक्सप्लेन करता हूँ मैं। इसका कोड है इफ चॉइस वन, क्योंकि हमें सिर्फ तीन चॉइसेस है हमारे लिए, इसलिए हम यहाँ पे इफ एल्स यूज कर रहे हैं। इफ चॉइस वन, कर्स्ट नेम हम इनपुट ले रहे हैं यूजर से, इंटर योर नेम। इसके आगे हम इंट नहीं लगा रहे क्योंकि हमें ये चीज़ वेर कैरेक्टर टाइप में चाहिए। और अकाउंट नंबर फिर इंट, उसके आगे इंट लगा रहे हैं क्योंकि हम इसका आगे इंट डेटा टाइप में हम इसे ले रहे हैं। सिमिलरली पासवर्ड भी हम इंट लगा रहे हैं क्योंकि हमें पासवर्ड भी इंट डेटा टाइप में चाहिए। अब ये चीज़ तो हमने यूजर से इनपुट ले ली, अब इसको सेव कैसे करेंगे? इसके लिए भी हम एक क्वेरी लिखेंगे जिसका नाम है एसक्यूएल अंडरस्कोर इंसर्ट, इंसर्ट इनटू लॉगिन, मतलब जो टेबल है हमारा लॉगिन, इसकी वैल्यूज में हमें इंसर्ट करना है। और कैसे इंसर्ट करना है ये देखिए, अंडर में लिखा है हमने कस्ट नेम, प्लस कस्ट नेम में लिखा है क्योंकि इसके आगे हम देखिए कुछ नहीं लगा रहे। और देखिए नेक्स्ट में अकाउंट नंबर के आगे प्लस एसटीआर लगा रहे, ऐसा क्यों? क्योंकि कस्ट नेम जो हम सेव कर रहे हैं वो वेर का डेटा टाइप में सेव कर रहे हैं और अकाउंट नंबर हमारे स्ट्रिंग डेटा टाइप में। जब भी हम इन डेटा टाइप यूज करेंगे उसके लिए प्लस एसटीआर लगाएंगे। सिमिलरली देखिए पासवर्ड के आगे भी हम लगा रहे हैं एसटीआर डेटा टाइप, सिंपल से। फिर उसके बाद फिर हम जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि हमने डेटा बेस बनाने बताया था आपको, एग्जीक्यूट स्टेटमेंट को कॉल करेंगे और इस स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट करा देंगे जो क्वेरी हमने लिखी है एसक्यूएल अंडरस्कोर इंसर्ट, और कनेक्शन को कमिट कर देंगे एंड देन प्रिंट अकाउंट क्रिएटेड जैसा कि यहाँ पे आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए हमने पहला चॉइस तो देख लिया, हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब लॉगिन करके देखते हैं अब होता क्या है लॉगिन करके। लेट्स मी लॉगिन, लॉगिन में हमारा नाम आदित्य डाले हम, 8757 हमारा यूजर आईडी है, 6545 हमारा पासवर्ड है। देखिए अब ये देखिए एक बड़ा सा प्रिंट चॉइस वापस आ रहा है। अब देखिए इफ, पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये चॉइस टू हुआ कैसे। वापस हम प्रिंट इंटर जो क्रेडेंशियल्स में लिखेंगे, हम उसमें अपना इनपुट कस्टमर नाम लेंगे, अकाउंट नंबर जो इंट में ले रहे हैं वो लेंगे, और पासवर्ड जो इंट में ले रहे हैं वो भी हम ले लेंगे। फिर से हम कर्सर एलिमेंट को कॉल करेंगे अपने डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, एग्जीक्यूट स्टेटमेंट को कॉल करेंगे कि डेटाबेस में ये चीज़ है कि नहीं पता करने के लिए। फिर डेटा f1.fetchAll, हम फेच क्यों करेंगे? क्योंकि हमें सारे डेटा को फेच करना है इसमें। अभी फिलहाल तो इसमें एक ही डेटा है, लेकिन अगर बहुत सारे डेटा होंगे उसको फेच करने के लिए यहाँ पे फेच ऑल यूज़ कर रहे हैं। और फिर एक बार रो काउंट, काउंट नाम का एक रो काउंट बनाएंगे और उसको क्या करेंगे, उसके अंदर एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप इसलिए चलाएंगे और वहाँ पे एक देखिए आगे हम देख स्टेटमेंट दे रहे हैं, इफ कर्स्ट नेम इन रो एंड अकाउंट नेम इन रो एंड पासवर्ड इन रो, ये सब चीज़ें अगर रो में अवेलेबल है जो हमने ऊपर लिखी है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रिंट स्टेटमेंट्स है टू सी डिटेल ऑफ वर्कर्स, मतलब चॉइस मेन्यू बना रखा है हमने, टू अपडेट डिटेल्स ऑफ वर्कर्स, टू सी डिटेल्स ऑफ केबल ऑपरेटर्स, टू पे द बिल, टू एग्जिट, टू वॉन्ट टू रेटर्स, ये सारे प्रिंट हो जाएंगे। अगर हमारा यूजर नेम आईडी पासवर्ड सारे रो में है तो ये चीज़ प्रिंट हो जाएगा। अब चलिए इसके अंदर भी छह चॉइसेस हैं, हम इन सारे चॉइसेस को देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम चॉइस वन को देख रहे हैं। चॉइस वन प्रिंट किए, वो हमसे चाह रहा है कि देखिए डिटेल्स ऑफ ऑल केबल्स, डिटेल्स ऑफ केबल अरेंज्ड एज नेम, यूजर आईडी, पासवर्ड, नाम मेरा आदित्य 8757654। एक्चुअली ये क्या है, यूजर जो हमने अभी इनपुट किया था, अकाउंट बनाया था हमने,
जिसके थ्रू हमने लॉग इन किया, वही डिटेल हमें प्रिंट करके दे रहा है। इसका कोड देखते हैं, देखिए इफ सी टू इज इक्वल टू 1, हमने कर्सर एलिमेंट को कॉल किया, आप जानते हैं क्यों, एक्सेस करने के लिए डेटाबेस, एग्जीक्यूट एलिमेंट डेटाबेस को काम, डेटाबेस में काम करने के लिए, फेच करने के लिए कि हमें सारे डेटा को फेच करने के लिए, और फिर वो काउंट रो बनाया जिसे हमने प्रिंट किया, और सारे रोज को हमने यहाँ पे फॉर लूप में चला के प्रिंट रो कर दिया, और कनेक्शन कमिट करके प्रिंट कर दिया हमने विजिट अगेन। सिंपल सा फॉर्म, ये सिंपल सा कोड था। और ये बात याद है कि इसके अंदर कोई भी लॉगिन के अंदर, जब भी हम लॉगिन के अंदर 6 चॉइसेस हैं, इनमें से किसी भी चॉइस को अगर हम परफॉर्म करेंगे, जब परफॉर्म करने के बाद जब ये खत्म हो जाएगा, वो हमेशा हमें मेन मेन डोमेन में वापस भेज दे कि आप वापस लॉग इन कीजिए और वापस देखिए आपको वापस क्या चीज़ें चाहिए। तो देखिए वापस, जैसे कि आप देख सकते हैं मेन मेन्यू में हमें भेज दिया, हमें वापस लॉग इन करना पड़ेगा। नाम हमने आदित्य डाला, 8757 हमारा यूज़र आईडी, पासवर्ड हमारा 6545। देखिए वापस हमें जिसके, चलिए इस बार हम चॉइस टू को देखें। चॉइस टू में टू अपडेट डिटेल्स ऑफ वर्कर्स, चलिए वर्कर्स के डिटेल्स को अपडेट करें। जो हमारा करंट नेम है, मेरा नाम है आदित्य, फिर न्यू नेम चलिए आदि डाले, आदि, देखिए योर डिटेल्स आर सक्सेसफुली अपडेटेड लिख के आया। अब देखिए इसके कोड को देखते हैं, देखिए यहाँ पे हम एलिफ यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे द इफ एल्स स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है, या तो इफ ये या तो वो एल्स स्टेटमेंट, बट इसके लिए हमें बहुत सारे केसेस हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इफ और एलिफ्स का यूज़ किया, इसके साथ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ किया है। अगर देखिए जैसे कि आप लास्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे एक एल्स स्टेटमेंट है, इन 6 एलिफ्स में से अगर कोई और भी होगा, अगर हम मान लीजिए 7 डालते हैं, तो ये प्रिंट कर दे ओप्स समथिंग वेंट रॉन्ग, और वहाँ पे एग्जिट करके वापस वो मेन मेन डोमेन में उसे भेज देगा, जैसा कि देख सकते हैं। अब एलिफ देखिए, चॉइस टू टू अपडेट टू फिल दिस इनपुट, जो आप करंटली हमारा नाम है आदित्य, हमने इनपुट किया, अपडेट किया हमने नया नाम आदि, और देखिए वापस, अब ये चीज़ तो हमने मांग ली यूजर से, अब यूजर बोल रहा है कि अब अपडेट कहाँ से करोगे, उसके लिए हमें एक और क्वेरी लिख रहे हैं, जिस क्वेरी का नाम है एसक्यूएल फॉर्मूला अपडेट लॉगिन, लॉगिन किसमें करना है, कर्स्ट अंडरस्कोर नेम में, अपडेट का कैरेक्टर है कहाँ करना है, कर्स्ट नेम में करना है। वापस हमने एक क्वेरी लिख दिया, और इस क्वेरी को कैसे एग्जीक्यूट किया, सी वन डॉट एग्जीक्यूट से एग्जीक्यूट कर दिया, और वापस प्रिंट कर दिया, योर डिटेल्स आर सक्सेसफुली अपडेटेड। अब देखिए तीसरा क्या है कि टू सी द केबल ऑपरेटर्स, सारे डिटेल्स देखिए अब केबल ऑपरेटर। अब तीसरा एक्सप्लेन करने से मैंने आपको चाहूँगा कि मैं आपको चौथा एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि अभी हमने कुछ भी चीज़ अपडेट नहीं किया, किसी का बिल पे नहीं किया, तो उसमें कुछ भी डेटा आएगा नहीं, इसलिए मैं आपको पहले चौथा अपडेट करूँगा। देखिए सबसे पहले, अभी सबसे पहले तो हमें वो मेन मेन्यू डोमेन भेज देगा, चलिए सेकंड लॉगिन करना पड़ेगा, हमें नया नाम अपडेट किया, उससे लॉगिन करके देखें, 8757 देखिए लॉगिन हो रहा है, 6545 हमारा पासवर्ड, देखिए लॉगिन हो गया। अब देखिए हमें क्या होगा, तीसरा से पहले हमें 4 देना होगा, क्योंकि हमने अभी कोई भी डिटेल दे रखा है, इसलिए वो अपडेट नहीं होगा। चलिए हम आपको 4 करके दिखाएं, पहले इंटर योर नेम, माय नेम इज आदि, अमाउंट टू बी पेड लेट्स से 500 हम पे कर रहे हैं, और इंटर द नंबर लेट्स से हम 85 चैनल के लिए 500 पे कर रहे हैं, कस्टमर का नाम डाल देते हैं हम ऋतु, ये हमारा फोन नंबर जो हमने बिग एंड डेटा टाइप में सेव करना चाहा था। देखिए बिल रिकॉर्डेड, वापस देखिए बिल रिकॉर्डेड प्रिंट हुआ, और देखिए इसके कोड को समझाऊं मैं, एलिफ सी टू चॉइस 4, एफ नेम हम इनपुट लेंगे जो आपका करेंटली नाम होगा, जो मैं अगर मैं ये यूजर एंड पे बना रहा हूँ, देखिए एफ इनपुट नेम, प्राइस इंट ले रहे हैं हम, चैनल्स वापस हम इंट ले रहे हैं, कस्ट नेम इनपुट ले रहे हैं क्योंकि वो वायर का डेटा टाइप में, फोन नंबर बिग इन डेटा टाइप में, इन सबको हम एक यूजर से ले रहे हैं, और फिर हम अब देखिए यूजर से तो हमने ले लिया, अब हमें क्वेरी लिख के उसे वापस टेबल्स में लगाना है, तो हम एक और क्वेरी लिखेंगे, एसक्यूएल इंसर्ट इंसर्ट इनटू कस्टमर टेबल, इससे पहले हमने लॉग इन टेबल में इंसर्ट किया, अब हमें कस्टमर टेबल की वैल्यूज में इंसर्ट करना है। इंसर्ट करेंगे, देखिए वैसे ही वापस एफ नेम के आगे कुछ नहीं लग रहा है क्योंकि हम वायर कर में रहे हैं, और स्ट्रिंग के आगे प्राइस लग रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं, स्ट्रिंग चैनल्स के आगे स्ट्रिंग लग रहा है कि वो इन डेटा टाइप में है, फोन नंबर के आगे स्ट्रिंग लग रहा है वो भी इन डेटा टाइप में है, फिर हम सी वन डॉट एग्जीक्यूट स्टेटमेंट कॉल करेंगे डेटाबेस के काम करने के लिए एसक्यूएल अंडरस्कोर इंसर्ट में, फिर हम कनेक्शन को कमिट करेंगे और प्रिंट कर देंगे, बिल आपका रिकॉर्ड हो गया, थैंक यू फॉर विजिटिंग अस। चलिए देखिए आगे हम इस, देखिए वो देखिए यही हमारा कोड। अब देखिए ये एक चीज़ परफॉर्म हमने कर दी, वापस वो हमें मेन नोटिफिकेशन नहीं, तो हमें वापस लॉगिन करना पड़ेगा, चलिए लॉगिन कर गए, आदि 8757 हमारा यूज़र आईडी, 6545 हमारा पासवर्ड, देखिए वो वापस हमें प्रिंट कर देगा। अब देखिए अब मैं आपको थर्ड चीज़ अपडेट कर रही थी, हमने एक बिल पेमेंट पे इनपुट कर रखा है, अब मैं आपको थर्ड एक्सप्लेन करूँगा चॉइस, थर्ड चॉइस देते ही देखिए मेरे क्या इनपुट आता है, देखिए डिटेल्स ऑफ ऑल कस्टमर्स, एक्चुअली हम एक ही कस्टमर है वन, दैट इज आदि, आदि उसका नाम, 500 मतलब मैं बना रहा हूँ इसीलिए आदि,
500 हमारा उसका प्राइस है, 85 उसने ले रखा, कस्टमर का नाम है रितु और उसका जो मोबाइल नंबर है ये रहा। अब इसके कोड को समझते हैं, देखिए एलिफ सी टू टी, इसने सी टू इज इक्वल टू 3 और कौन कर्सर एलिमेंट को इसने कॉल किया, फिर इसने एग्जीक्यूट स्टेटमेंट को कॉल किया कि उसे सब कुछ सेलेक्ट करना है, देखना है, फिर इसने जैसे कि आप जानते हैं सब कुछ चेक करने के लिए, सब कुछ फेच करने के लिए आपको डेटा इज इक्वल टू C1 जो चॉइस हमने चुना है उसको फेच किया, हमने सब कुछ फेच किया, प्रिंट सारे डिटेल्स को काउंट बनाया कि हमें सारे रो को काउंट करके उसे प्रिंट करना है इसलिए हमने काउंट बनाया, एंड फिर फॉर लूप चला के सारे रोज को हमने एक कॉलम में प्रिंट कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं आदि 585 रितु 86456 जो भी है रितु का ये नंबर। देखिए अब आगे जैसे हमने चार चॉइसेस को हमने देख लिया है और ये हमें वापस मेन्यू लेवल में भेज रहा है, चलिए वापस लॉग करके देखें एक बार, आदि 8757 हमारा यूजर आईडी, 6545 हमारा पासवर्ड, वापस हमें वो मेन्यू दे रहा है। अब एक और है सी एलिफ चॉइस 5 टू एग्जिट एंड प्रेस, एक्चुअली ये सबसे सिंपलेस्ट चॉइस है, इसमें कुछ नहीं करना है, ये चॉइस एंटर करते ही हमें एक और प्रिंट स्टेटमेंट आएगा थैंक यू फॉर विजिटिंग अस, जैसे कि देख सकते हैं इसलिए मैं इसको इसे रन करके नहीं दिखाऊंगा, ये देखिए बहुत ही सिंपल कोड है इसका। और फिर हम अगले चॉइस की ओर बढ़ेंगे, सिक्स चॉइस जो हमारा रेटिंग का चॉइस है वॉन्ट टू रेट अस, इसको मैं आपको करके दिखाऊंगा। जैसे आप पहले कोड समझिए, एलिफ सी टू इज इक्वल टू सी प्रिंट रेट फॉर आवर सर्विस, एक नॉर्मल स्टेटमेंट है प्रिंट करने का रेट फॉर आवर सर्विस, और फिर रेटिंग इनपुट ले रहे हैं हम लोग यूजर से इंट डेटा टाइप में, इंट डेटा टाइप में इनपुट ले प्रिंट थैंक यू फॉर रेटिंग, और इसमें लिखे प्रिंट में लिखे ऑन स्केल ऑफ 10 हाउ वुड यू वॉन्ट टू रेट। देखिए यही चीज़ है, अब सिंपल मैं आपको दिखाऊँ इसको प्रिंट करके रेट फॉर आवर सर्विस, चलिए लेट्स सी 9 गुड, थैंक यू फॉर रेटिंग अस, और देखिए ये चॉइस चुनते ही हमें वापस वो मेन मेन्यू ड्रिवन में भेज दे रहा है, सिंपल सा चीज़ है। चलिए हमने सारे चॉइसेस खत्म किए, ये सारे चॉइसेस लॉगिन के अंदर आ रहे थे, अब एक देखिए वापस हमें मेन मेन्यू ड्रिवन में भेज के, अब हमने क्रिएट और अकाउंट लॉगिन सब देख लिया, अब थर्ड एग्जिट है। एग्जिट में क्या है कि इफ अगर हम क्रिएट और अकाउंट दोनों लॉगिन में नहीं जाना चाहते, हम थर्ड एग्जिट में जाना चाहते हैं, उसके लिए हमने एक इफ स्टेटमेंट यूज किया है, इफ चॉइस इज इक्वल टू 3 प्रिंट थैंक यू फॉर विजिटिंग इट एंड चॉइसेस क्लोज, चलिए प्रिंट करके देखिए हमें ये एग्जिट हो गया हम इस मेन्यू से, एंड दिस इज इट, थैंक यू।